नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप ये देख रहे हैं वॉशिंग मशीन का रोटर है, इसको खोल करके ही वॉशिंग मशीन की सर्विस की जा सकेगी, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। पानी जो है वॉशर वाली साइड का बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हमें ये ब्लू कलर का कैप उठा लेना होगा। ब्लू कलर का कैप उठाते ही आपको अंदर एक स्क्रू नज़र आएगा, जिसे आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं, या फिर आपके पास 11 नंबर की टी स्पैनर होनी चाहिए, जिसकी लेंथ इतनी हो कि वो स्क्रू के आसपास तक पहुंच पाए। तो मैं इसको खोलने वाला हूं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। स्क्रू ड्राइवर को दो एक्सटेंशंस लगा के मैंने लंबा किया है, ताकि ये स्क्रू के पास पहुँच जाए, और इस तरह से आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको आप अनस्क्रू करेंगे तो रोटर जो है वो इस तरह से उठ के बाहर आ जाएगा। अब इस रोटर के नीचे देखिए कितनी गंदगी जमा है, ये सारी गंदगी जो है ड्रेनेज को ब्लॉक किए हुए है। ये रोटर को भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे फिट करने से पहले, फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं। अब देखिए ये जो रोटर का नीचे का बेस है, इसके अंदर कितनी गंदगी जमा है। ये गंदगी क्या है, कपड़ों की मैल है, वॉशिंग पाउडर की मैल है, और ये देखिए किस तरह से ये गंदगी पड़ी हुई है। अब जो आप ये स्ट्रेनर देख रहे हैं, स्ट्रेनर के नीचे भी दिखाता हूँ आपको ड्रेनेज किस तरह से ब्लॉक है हमारी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है पूरा होल हमारा ब्लॉक हो रखा है। अभी इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करते हैं, और यहाँ पे तो जस्ट हम पानी डालेंगे तो वो फुली साफ हो जाएगा। ये स्ट्रेनर जो है बहुत गंदगी पकड़े हुए है, देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा झटका करके साफ करना पड़ेगा। तो आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे ही इसको हमने थोड़ा सा झटकाया तो देखिए इसमें से कितनी गंदगी जो जमा थी वो निकल करके बाहर आई है। तो इसको भी हम साफ करके ही फिट करेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसमें पानी फेंक करके जो गंदगी हमने स्क्रू ड्राइवर से अंदर धकेली थी वो किस प्रकार ड्रेनेज पाइप से बाहर आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये जो गंदगी है ये सारा जो है ड्रेनेज को ब्लॉक किए हुए थे। देखिए दोस्तों, इतनी गंदगी जो है इसमें भरी रहेगी तो पानी किस तरह से बाहर निकलेगा। देखिए अब पानी डाल रहे हैं तो एकदम साफ पानी बाहर आ रहा है। इस तरीके से आपको भी ये साफ कर लेना है ड्रेनेज को, और स्ट्रेनर को अच्छे से साफ करके बिठाइएगा। इसको सीट पर बिठाने के लिए इंश्योर ज़रूर रखिएगा। एक बात और बता दूँ, अगर आपकी पॉकेट में कोई कॉइन वगैरह रह जाता है तो भी आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो कॉइन वगैरह निकालने हैं वो यहीं से निकलेंगे, इसी जगह पर से रहते हैं। ये जो बैठ नहीं रहा है तो इसके लिए जो नीचे फिंगर्स दी गई हैं इसको अच्छे से लॉक कीजिएगा। ये अगर सीट पर नहीं होगा तो घूमते हुए जो रोटर है वो थोड़ी आवाज़ पैदा करेगा और ख़राब होने के चांसेस भी रहेंगे। इसके बाद रोटर को साफ कर करके आपको इसको स्प्लाइंस के ऊपर बिठाना है। पहले तो जो शाफ्ट के स्प्लाइंस होती हैं टीथ बने होते हैं, फिर आपको इसके स्क्रू को कस देना है उसी प्रकार जैसे हमने खोला था। और इसको कस देने के बाद इंश्योर रखिएगा कि अच्छे से कसा जाए, क्योंकि प्ले रहेगी तो फिर दिक्कत करेगा। उसके बाद आपको कैप लगा देना है। तो अभी हम चलते हैं वॉशिंग मशीन की बैक साइड। यहाँ पर भी एक कवर रहता है, इसको लगे रहते हैं 6 स्क्रू, 3 एक साइड और 3 एक साइड, और उसके बाद ऊपर और नीचे से लॉक रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कवर आपको उठा लेना है, इसके 4 लॉक रहते हैं। ये है कॉम्बिनेशन पाइप फॉर दी ड्रायर एंड वॉशर, यहीं से होकर के दोनों का पानी कंबाइन होकर बाहर निकलता है। इसको भी हम साफ ही कर लेते हैं, क्योंकि अब बार बार मशीन खोलेंगे दिक्कत करेगी, तो इससे अच्छा हम फुल सर्विस एक ही बार कर दें। किसी नुकीली चीज़ से इसको साफ़ कीजिएगा अच्छे से, 2-3 बार पानी डालेंगे। पानी जब तक क्लियर नहीं हो जाता, बिना गंदगी के बाहर निकलना नहीं शुरू हो जाता, तब तक हम पानी डाल के सफाई करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी एकदम सफाई से बाहर आने लग गया है। कवर को अपनी जगह पे बिठा दीजिएगा, चारों लॉक अच्छे से बैठे होने चाहिए, नहीं तो यहाँ से लीकेज करेगा। तो इसके बाद आपको उसका बैक कवर लगा देना है। बैक कवर को ध्यान से लॉक कीजिएगा ऊपर और नीचे से, नहीं तो जब आपका ड्रायर चलेगा तो ये थोड़ी आवाज़ सी क्रिएट करेगा। तो इसको बिठा देने के बाद आपको ये सारे के सारे स्क्रू लगा देने हैं। इस तरह से अच्छे से बिठा दीजिएगा इसको, 6 के 6 स्क्रू लगा दीजिएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वॉशिंग मशीन की सर्विस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।